कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने शनिवार को जयपुर के मानसरोवर इलाके में कांग्रेस के प्रस्तावित प्रदेश कार्यालय की आधारशिला रखी। इस मौके पर राहुल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राहुल गांधी ने जयपुर में कांग्रेस के सभी नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात की इस कड़ी में जिस नेता का नाम सबसे ज्यादा छाया हुआ है वो है दिव्या मदेरणा। दिव्या मदेरणा भी राहुल गांधी से मिलने जयपुर पहुंची थी। मुलाकात की तस्वीर खुद मदेरणा ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। दिव्या ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि हम सब के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी से आज जयपुर में मुलाकात हुई। महिला आरक्षण बिल और जातीय जनगणना पर लोकसभा में हमारी आवाज बनने के लिए आभार व्यक्त किया। राहुल और दिव्या की तस्वीर चर्चा में है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों नेता कितनी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। चेहरे पर लंबी मुस्कान के साथ दोनों ने हाथ मिलाया। खैर, ये पहली दफा नहीं है जब दोनों नेताओं के बीच की ये बॉन्डिंग दिखी हो। भारत जोड़ो यात्रा के समय दिव्या ने राहुल गांधी का खूब साथ दिया था, तब दोनों की तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। यात्रा के दौरान दिव्या मदेरणा राहुल गांधी संग कदम ताल करते हुए नजर आई थी। सीएम गहलोत और पायलट के बाद दिव्या मदेरणा को राहुल गांधी से बात करने का अवसर मिला था। राजस्थान से हरियाणा को फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी के दौरान भी दिव्या मदेरणा राहुल गांधी के साथ दिखाई दी थी। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीरों ने लोगों का काफी ध्यान खींचा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा और गांधी परिवार के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही थी। इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर कश्मीर पहुंची विधायक दिव्या मदेरणा वहां बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते नजर आईं। बर्फ के बीच खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई, जिन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उन्होंने शेयर किया था। और अब एक बार फिर से उन्होंने जयपुर में राहुल गांधी से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है।